Hello dear listeners, I'm Neha Saini. Welcome to my channel Science is Interesting. The other day I have received one query that is Earth rotate from west to east, right? How sun rises from east? It's tricky, isn't it? So aaj hum padhenge ki how sun rises from east and we will study it through this globe. ओके और हम एक एक्टिविटी करके समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है राइट तो देखते हैं कि ये ग्लोब है ठीक है दिस इज द बेस्ट थिंग आई वांटेड टू टेक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ अर्थ रोटेट्स एज यू ऑल कैन सी दिस अर्थ इज टिल्टेड दिस अर्थ इज टिल्टेड ठीक है ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ओके और ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट Now, if you just look this carefully, this is our India, right? So, when it is rotating like this, okay, this is how Earth is rotating. Okay, this is how Earth is rotating continuously on its axis. और हमें ये पता है जब Earth rotate करती है, it take 24 hours to take one complete rotation, right? तो हम ऐसा बोलते हैं कि 12 आवर का जो होता है दिन 12 आवर की होती है रात सो इट इज शोन ओवर हियर इफ यू कैन सी द वर्ल्ड टाइम वी हैव दिस इज द डार्क पोर्शन एंड दिस इज द लाइट पोर्शन ओके तो अब क्या होता है इट इज लाइक आई एम कीपिंग इट लाइक दिस सो क्या होगा उस तरफ से शाम होती चली जाएगी जैसे जैसे ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं एज द अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस ओके एंड सन इज टुवर्ड्स दिस सपोज ओके सो अभी क्या है सपोज आई एम रोटेटिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो क्या होगा सबसे पहले ईस्ट वाला पोर्शन सन के सामने आया तो सन हमारा सो दैट इज व्हाई वी गॉट डे इन इंडिया फ्रॉम ईस्ट लाइक दिस एंड दिस इज हाउ अब जैसे जैसे उधर जाता जाएगा तो क्या हो रहा है शाम होती चली जाएगी एंड जस्ट एट द बैक ऑफ दिस व्हाट विल हैपन वी विल हैव डे सो ये हम समझेंगे एक एक्टिविटी से लेट्स सी हाउ इट विल वर्क सो ये वी हैव प्लान्ड दिस एक्टिविटी एज यू ऑल कैन सी द सन रेज आर फॉलिंग ऑन द अर्थ ओके सो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सन की रेज जो है दीज आर फॉलिंग ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट राइट ऐसे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है ओके सो अभी क्या है कि दूसरे वाली साइड व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड यू नो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट इज रोटेटिंग सो दूसरे वाली साइड पे क्या होगा शाम होती जा रही है ओके एंड एज यू कैन सी नाउ यू कैन सी दिस इज इंडिया इफ इट इज विजिबल टू यू ओके दिस इज इंडिया नाउ इंडियाज ईस्टर्न पोर्शन केम हियर इन फ्रंट ऑफ सन ओके सन इज देयर सन की रेज आ रही हैं और ऐसे हमारे पास सन का जो पूरा लाइट है वो इंडिया पे आ गया है अब इंडिया हैज डे टाइम राइट नाउ एंड जस्ट बिहाइंड इंडिया वी हैव दिस अमेरिका हियर विच इज टोटली डार्क तो जब इंडिया में डे है तब उस समय अमेरिका वाली साइड पे डार्क है नाइट है ठीक है और जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती रहेगी रोटेट कर रही है अर्थ लाइक दिस सो उस साइड पे शाम होना स्टार्ट हो गया एंड अगेन हियर यू कैन सी इंडिया इज टोटली डार्क एंड द वेस्टर्न दैट अमेरिका इज ब्राइट नाउ एंड देन अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूज ओके तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि एक क्वेश्चन है दैट वन ऑफ माई फ्रेंड सपोज रचना शी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया ओके इन दिसंबर फाइन सो शी हैज टेकन वूलन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया बट शी हैज टू ट्रेवल इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन ऑस्ट्रेलिया देर इज सो मच हॉट सीजन यू नो इज गोइंग ऑन सो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ओके लेट मी टेल यू द रीजन हियर वी हैव इंडिया ओके India is present in the northern hemisphere and Australia is present in the southern hemisphere. So what is happening when southern hemisphere is towards the sun? Okay, it is towards the sun.
So it will have summer season, and as northern hemisphere is away from the sun, so it will have winter season. So when in India we have winter season, in Australia they have summer season. So that is why the seasons are different in different hemispheres. I hope you have understood this topic. Thank you very much. Please like, subscribe and share my video, and you can put in comment section if you really want to understand some of the science topic. I will go through with it, and of course I will explain it in on my channel. Thank you very much. Okay, bye bye.